मेरा नाम डॉक्टर अहमद मामून करीमी है। मैं यहाँ दरभंगा इस्लामिया हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर में एज अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। और आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि 4 फेब है। और वर्ल्ड कैंसर डे क्यों मनाया जाता है, ताकि हम जो है कैंसर के बारे में लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा कर सकें, उनको उसके रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें कि वो कैसे जो है अपना हेल्थ स्टाइल और अपने जो लाइफ में जो चीज़ें हैं कैसे उसको प्रिवेंशन के लिए, कैंसर से रिलेटेड जो प्रिवेंशन है उससे कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे कर सकते हैं। अभी का जो इस बार का जो थीम है कैंसर का, वो इसी से रिलेटेड है। थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसमें क्या है, अमीर और गरीब और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, मेल और फीमेल और रेस, ब्लैक एंड वाइट और कास्ट, सब में जो अभी का जो इस बार का जो थीम है कैंसर का, वो इसी से रिलेटेड है। थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसमें क्या है कि हमें जो है इन सब में जो अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मेल फीमेल, बच्चों और बड़ों और फिर अमीर और गरीब और ब्लैक एंड वाइट रेस, ये सब में जो कैंसर का जो केयर का जो गैप है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। वर्ल्ड लेवल क्या क्या किया जाता है, दो चीज़ें जो कि काफ़ी अच्छे से की जाती है। एक तो कहा जाता है 5K चैलेंज, जिसमें क्या होता है 5000 किलोमीटर लोगों को चलना है या दौड़ना है या स्विमिंग करना है या फिर पहाड़ पे जो चढ़ते हैं वो करना है। दूसरा होता है 21-डे चैलेंज, ताकि हम अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स जो है डेवलप कर सके, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग बंद कर सकें, मॉर्निंग में उठें और वॉक कर सकें और लोगों को और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर कैसे प्रिवेंट हो उसकी तरफ उसकी नॉलेज गेन कर सकें, ये सब चीज़ें जो है, और फिर अपने आप को अच्छे से एजुकेट कर सकें कि क्या वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैंसर का सही इलाज हो पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डेथ जो है वहाँ कम हो रही है और हमारे यहाँ डेथ ज़्यादा। हमारे यहाँ जो डेथ है वो अराउंड 8 लाख डेथ पर ईयर जो है कैंसर की वजह से हो रही है। एट हॉस्पिटल लेवल हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल लेवल हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो बच्चों में लग जानी चाहिए। उसके अलावा जो है 9 to 14 ईयर्स में गर्ल्स को जो है HPV की वैक्सीन, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन लग जानी चाहिए। और हमें जो है एनवायरनमेंट में जो एक्सपोज़र है स्मोकिंग का है और फिर एस्बेस्टस का है, इन सब से जो है अपने आप का इसका एक्सपोज़र कम करें या एकदम ख़त्म करें, ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। या गवर्नमेंट से हमें अपनी मांग रखनी चाहिए कि वो इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि इंडिया जो है 3rd वर्ल्ड कंट्री है, लोग गरीब हैं और इसके ट्रीटमेंट में खर्च ज़्यादा है, तो वो इसका कैंसर केयर का बजट जो है वो ज़्यादा बनाएं, ताकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके एट नेशनल लेवल और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा केयर हो सके।